दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडिच रेड कलर में रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। और इस कलर की खासियत ये है कि ये क्लासिक 350 के जितने भी मॉडल या जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे सस्ता वेरिएंट कहा जाता है। और इसके पीछे वजह है क्योंकि कंपनी ने इसमें कई सारी चीज़ों में प्राइस कटिंग करी है, जैसे कि इसके टायर्स या फिर इसके ब्रेक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में कटिंग आप देखेंगे। अब ब्रेक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है और सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है, डुअल डिस्क का ऑप्शन इसमें नहीं है। पीछे अगर आप लगवाना चाहें तो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, कंपनी फिटेड नहीं आएगा, ठीक है। और आप लगवाते हैं तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2023 में अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात करूं तो 1,90,000 करीब इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है। और यह बाइक कंप्लीट आपको 2,30,000 से लेकर 2,45,000 यानी कि 2,30,000 to 2,45,000 में ये बाइक कम्प्लीटली मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि नीट एंड क्लीन बाइक आपको लेनी पड़ेगी, मतलब जैसे इसमें कोई भी एसेसरीज आपको ऐड नहीं करवानी है। एसेसरीज में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्रंट में एक लंबा सा आपको विंड वाइजर देखने को मिलता है, उसको आप लगवाते हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में ही तो प्राइस इसका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप एलॉय व्हील लगवाते हैं तो भी इसका प्राइस बढ़ जाएगा। कोई भी अलग से कोई आकर्षित चीज़ इसमें कुछ भी लगवाते हैं तो प्राइस फटाफट बढ़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसके बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम ला पाएँ। चलिए फटाक से बताते हैं, इंजन से थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए जो रॉयल इनफील्ड की मेटेओर 350 आती है वही वाला इंजन कंपनी लगा कर देती है, जो कि 349 cc का इंजन है और 20.2 BHP की पावर और 27 Nm का टॉर्क आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इस पावर और टॉर्क में आपको माइलेज कितना मिलेगा, अगर आप ढंग से और सहूलियत से चलाते हैं तो लगभग आपको 35 का माइलेज कहीं नहीं गया है, लेकिन अगर आप रफली चलाते हैं, गंदे तरीके से चलाते हैं तो आप 25 से 30 के बीच में लुढ़क जाएंगे। 13 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है इसमें, तो एक बार भरवाएंगे तो लंबी दूरी आप तय कर सकते हैं। 5 गियर्स आपको मिलते हैं, 6 गियर की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। चलिए इंजन आपने जान लिया, आप सस्पेंशन जान लीजिए। आपको वही पुराना सस्पेंशन मिलता है, इसमें कुछ भी नया अपडेट नहीं है। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 41mm फॉर्क और 130mm के ट्रेवल के साथ आता है। पीछे आपको ट्विन ट्यूब इम्ब्लस शॉक एब्जॉर्बर विद 5-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सस्पेंशन क्वालिटी हमेशा की तरह क्लासिक 350 की जैसे पहले थी वैसे ही आपको मिलती है। इसमें जो वाइब्रेशन है वो पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वाइब्रेशन है, ठीक है। टायर्स पे अगर फोकस करेंगे तो अगर आप स्पोक व्हील लेते हैं, मतलब तिल्ली वाला टायर लेते हैं, तो 19 इंच का टायर मिलेगा जो कि ट्यूबलेस नहीं होगा। और अगर आप इसमें एलॉय व्हील लगवाते हैं तो आपको 18 इंच का टायर मिल जाएगा जो कि जो है ट्यूबलेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो आगे आपको 300mm का डिस्क ब्रेक मिलता है जिसपे ABS की चैन लगी हुई है, लेकिन जो पीछे आपको मिलता है वो 153mm का ड्रम ब्रेक मिलता है जिसमें कोई भी ABS की चैन नहीं मिलेगी। तो ये एक सिंगल चैनल ABS वेरिएंट होता है, इसमें कोई भी डुअल ABS का विकल्प नहीं है अभी तक। अब हो सकता है 2023 की मिड तक नया विकल्प आ सकता है। इस बाइक की जो लंबाई है वो 2145mm है। अब गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि इसकी सीट हाइट 805mm की है, जो कि इंडियन राइडर्स हैं उनको इस चीज़ का ध्यान बखूबी रखना चाहिए। अगर उनकी हाइट कम है ना तो एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सीट हाइट से ही जुड़ा है इसका वजन, जो कि 195 किलोग्राम है। पेट्रोल भरवाने के बाद ये 2 क्विंटल क्रॉस कर जाएगी, तो अगर आपके पैरों में जान नहीं है, स्किनी बॉडी है, तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टेस्ट राइड लिए बिना आप इस क्लासिक 350 को मत लीजिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस काबिले तारीफ है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से 170mm का रखा गया है, ये काफ़ी सही चीज़ है। मीटर कंसोल पे जरा फोकस कर लीजिए, यहाँ पे देखिए जो मीटर कंसोल मिलता है डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। जो एनालॉग कंसोल है इसमें आपको पूरा का पूरा स्पीडोमीटर कंपनी फिट करके देती है, और नीचे जो डिजिटल कंसोल है इसमें आपको ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, टाइम हो गया और फ्यूल इंडिकेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसको सेट करने के लिए अगर आप ट्रिप वगैरह रीसेट करना चाहें तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक आई करके स्विच मिलता है, इसी से आप सारी चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखिए राउंड कलर में आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, उसके नीचे साइड इंडिकेटर स्विच आपको हॉर्न मिल जाता है, राइट हैंड साइड पे आपको एक स्विच मिलता है जिससे आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पावर ऑन कट वगैरह, ये सारे स्विचेस आपको पहले वाले ही मिलते हैं, इसमें कोई एडिशनल स्विच कंपनी नहीं ऐड की है, ठीक है।
तो देखिए मैंने इसका रिव्यू कर लिया कंप्लीट हो गया इसका पूरा वॉक अराउंड रिव्यू, जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छी बात यह कि इसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये रेडिश रेड कलर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।